नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 23 अक्टूबर 2021 के पंचांग के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा खुश जीवन राशिफल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोज आप तक पहुँच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने ईष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें। आइए पंचांग शुरू करते हैं। पंचांग शुरू करने से पहले आज महत्वपूर्ण योग यानी सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि दोनों योग रहेंगे, जो कि रात 9:53 से और सूर्योदय तक रहने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं पंचांग। वार शनिवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, माह कार्तिक माह, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि तृतीया तिथि, नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, जो कि रात 9:53 तक रहेगा। योग व्यतिपात योग, बात करें करण की तो वणिज करण रहने वाला है। पंचांग के अंदर वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण ये अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं, और इनसे मिलकर पंचांग का निर्माण भी होता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य में इन पांचों को शुभ यानी इन पांचों अंगों का शुभ होना अत्यंत ही आवश्यक है। आइए बात करते हैं सूर्योदय की। तो 6:29 पर सूर्योदय, सूर्यास्त 5:40। सूर्यदेव तुला राशि से गोचर कर रहे हैं। चंद्रोदय 7:27। चंद्रास की बात करें तो 8:39। चंद्र राशि की बात करें तो चंद्रदेव अपनी उच्च की राशि वृष राशि से गोचर कर रहे हैं, जिसके कि स्वामी शुक्रदेव हैं। आइए बात करते हैं शुभ समय की। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 4:54 से लेकर और 5:42 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में हम अपने ईष्ट देव की आराधना और मंत्र जप कर सकते हैं। बात करें अभिजित मुहूर्त की तो 11:43 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त में हम अपना कोई भी शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। साथ के साथ हमें चंद्रबल यानी अपनी शुभ राशि भी देखनी होगी। आइए बात करते हैं दिन के चौबड़ी की। सबसे पहले काल का चौबड़िया, 6:29 से लेकर 7:53 तक। काल का चौबड़िया जो है वो अशुभ समय है। काल के बाद शुभ 7:53 से लेकर 9:17। शुभ का चौकड़िया अच्छा समय है। शुभ के बाद रोग 9:17 से लेकर 10:41 तक। रोग का चौकड़िया अशुभ समय है। रोग के बाद उद्वेग 10:41 से दोपहर 12:06। उद्वेग का चौकड़िया को भी अशुभ चौकड़िया माना गया है। उद्वेग के बाद हम बात करें चरकी, जो कि सामान्य समय है, 12:06 से 1:31। चरकी बाद लाभ 1:31 से 2:55। लाभ का चौकड़िया अच्छा समय है। लाभ के बाद अमृत 2:55 से लेकर और 4:19। अमृत का चौकड़िया अच्छा समय है। अमृत के बाद काल 4:19 से लेकर और 5:40 तक। काल का चौकड़िया भी अशुभ समय माना गया है। तो शुभ, अगर चौकड़ियों की अगर हम बात करें तो शुभ का चौकड़िया, लाभ का चौकड़िया और अमृत का चौकड़िया अत्यंत शुभ है। चर का चौकड़िया सामान्य समय है। रोग, काल और उद्वेग ने अशुभ चौकड़िया की संख्या दी गई। आइए बात करते हैं अशुभ समय राहु काल और कुलिक काल की। 9:00 से लेकर 10:30 पर राहु काल रहेंगे। राहु काल अत्यंत अशुभ समय माने गए हैं। कोई भी शुभ कार्य और शुभ यात्रा राहु काल में शुरू नहीं करनी चाहिए। बात करें हम कुलिक काल की तो 6:00 से लेकर 7:30 तक कुलिक काल रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं दिशाशूल यानी किस दिशा में आज यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के दिन का दिशाशूल है पूर्व दिशा। फिर भी अगर जातक यात्रा कर रहा है तो यात्रा से पहले उड़द से बने हुए पदार्थों का सेवन अवश्य करें, ताकि दिशाशूल का परिहार हो सके और आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसके शुभ फल आपको प्राप्त हो। आइए बात करते हैं शुभ राशियों की। तो आज की शुभ राशि है वृष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन। आइए बात करते हैं जो भी जातक जन्म लेंगे उनके नामक्षर, जन्म राशि और जन्म भाई। तो आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी जन्म राशि की बात करें तो वृष राशि रहने वाली है, जिसके कि स्वामी शुक्रदेव हैं। नामाक्षर की बात करें तो ई, उ, ए और ओ ये नामाक्षर रहेंगे। बात करें हम अगर पाए की तो जन्म का पाया उनका सबका स्वर्ण का जन्म पाया रहने वाला है। धन्यवाद।